ठंड का प्रकोप अगर हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय हावी होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो आज यहाँ का 9.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। यहाँ के तापमान के जो विशेषज्ञ हैं, जो मौसम विशेषज्ञ हैं, उनके अनुसार अभी ऐसा एक हफ्ता और रहने वाला है। इसको लेकर पूरा अगर महकमे की बात करें वो भी सतर्क है। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था कर दी है। लगभग 300 से ऊपर जगहों पर अलाव गोरखपुर के शहर में जलाया जा रहा है, जिससे लोगों को आने जाने वाले लोग अपने आप को जो है गर्म महसूस करें। अगर हम बात करें यहाँ के घर में रहने वाले अक्सर लोग प्रेफर कर रहे हैं कि घर पे रहें, घर पे रहकर सुरक्षित रहना चाहते हैं, क्योंकि ये ठंड का मौसम इतना ज़्यादा है, हवाएं जो पछुआ हवाएं चल रही हैं वो कहीं ना कहीं कपकपा देने वाली ये सर्दी, ये देखने वाली बात होगी कि आगे अब कितना और कितना ठंड पड़ने वाला है। क्योंकि जो खिचड़ी आता है खिचड़ी के पहले ये जो ठंड होती है, ठंड का ये मौसम होता है, ये आदमी और जानवर सबके लिए कहीं ना कहीं ये दुखदायी नज़र आता है। पछुआ हवाओं ने जैसे ही मौसम को सर्द किया है, आपको बताएं कि आम आदमी इस समय ठिठुरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम दुकानदारों की बात करें तो उनके भी चांदी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उनके पास जो मफलर और टोपी के साथ साथ अन्य गर्म चीज़ों के लिए भी अब जो है ग्राहक घर से निकलकर उनके पास आ रहे हैं। और इस समय हम इस कश्मीरी मार्केट टाउन हॉल पे खड़े, हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं, जिसमें से भैया क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सतीश है। सतीश भैया, ये बताएं कि जो ये ठंडी का मौसम है, पछुआ हवाएं जो चल रही हैं, कितना प्रभाव डाल रही हैं शरीर पर? भाई, जो पछुआ हवाएं चल रही हैं इससे सिहरन तो पैदा हो ही गया है। आप देखे होंगे दो से तीन दिन में तापमान काफ़ी गिरा है, 13 से 14-15 तक मैक्सिमम तापमान रह रहा है। जहाँ 30 के टेम्परेचर में रहने की लोगों की आदत है, वहाँ 13 और 15 के बीच में तापमान है, तो आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी बढ़ी है। है वही, अब सब लोग गर्म बाजार, जो गर्म के कपड़े हैं उसकी कितनी डिमांड बढ़े हैं जहाँ तक आप देखें? अब देखिए, डिमांड नहीं है, ज़रूरत हो गई है। और डिमांड तब होता है जब आदमी अनुमान लगाता है मार्केट, तो ज़रूरत हो गई है। अब आप बाज़ार में देखिए, सब लोग खरीदारी कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, जिसको जिसने हिसाब से सब अपना खरीद रहा है। बाज़ार में रौनक लौट आई है गर्म कपड़ों की। गर्म कपड़ों की रौनक नज़र आ गई है और लौट गई है। गर्म कपड़ों का जो बाज़ार है वो अब किस पूरी तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ है पूरे मार्केट में। हर जगह जो है लोग गर्म कपड़ा खरीदना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको मजबूरी है, जैसा कि भाई ने कहा कि मजबूरी है खरीदना, तो अब मजबूरी है घर से निकलना भी, क्योंकि इस ठंड में अगर कपड़ा नहीं होगा गर्म तो आपके शरीर में जो तापमान है वो उसके बराबर नहीं हो पाएगा, फिर आपको ठंड लग जाएगी। इसको लेकर हमारे पास दुकानदार हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? जरा इधर आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शमशेर अहमद। शमशेर जी, मुझे एक चीज़ बताएं कि ये जो गर्म कपड़ों का बाज़ार है कितना इसमें गर्म हुआ? अभी तो तेज़ी उठी है सर जी, और नवंबर दिसंबर तो लग रहे थे ऐसे कि मैं ठंडे नहीं पड़ेंगे, और जब पड़े हैं तो ऐसे पब्लिक एकदम हिल के रह गई है। अभी देखिए, एक मफलर तो नहीं काम चला, डबल मफलर पहनने पड़ रहे हैं, और दुकानदारी में बहुत तेज़ी आ गई है सर जी। माल मंगाने पर माल नहीं मिल पा रहे हैं सर जी, और पब्लिक की डिमांड इधर बढ़ती चली जा रही, भीड़ लगती चली जा रही सर जी। बस क्या लगता है कि एक दिन में कितने ग्राहक आपके यहाँ पहुँच जा रहे हैं? उसमें आधे देखते हैं, आधे दूसरे दुकान से लेते हैं, आधे लेते हैं आधे चले जाते हैं। सेल 20,000, 25,000, 30,000 डेली हो जाते हैं सर जी। यानी 25 से 30,000 की सेलिंग हो जा रही है। आम आदमी पूरी तरह से अपने आप को गर्म रखना चाह रहा है और घर से निकल रहा है इस ठंड के मौसम में। कहीं ना कहीं उनको गर्म कपड़े की आवश्यकता पड़ी है, मजबूरी है, इसलिए उनको आना पड़ रहा है। गोरखपुर पोस्ट के लिए सतीश शुक्ला, गोरखपुर।